Saturday ko evening office Babanagar Chandran Gutta limits ke andar jo hijra ka Chandray ko ek murder hua wo beggars kidnap naam se pura youth log पूरा शक बैठा है उन लोगों को दिल में मन में वो बेगर्स इजरा लोग आके किडनैप करके बच्चों को हाथ काट रहे वो फकीर बना रहा है हार्ट निकाल रहे ब्रेन निकाल रहे ऐसा सोशल मीडिया में कई पोस्टिंग्स कंफर्म करने के बाद एक शक बैठ गए जो अजीम होटल में 11 बजे के बाद दो हिजरा लोग पैसा के लिए आया इसका आर्गुमेंट करने में बारकास का रहने वाले एक हुसैन वो सोशल मीडिया में जो बच्चों मर गया थोड़ा हिजरा लोग का शक आके कोई सबको दिखाना शुरू कर दिया वो मना कर दिया हम नहीं है हम ऐसा नहीं है ओनली पैसा पकी तरफ हम मांगने के लिए आए लेकिन वो लोग थोड़ा शाउटिंग करके वो किडनैप बैच आया बच्चों के लिए ऐसा टायर से मार के भगा दिया वो बाहर आने के बाद सभी लोग जमा होके उनको फिर मार दिया एक गिड्डा नरसिम्हलिंग को एक मौलाना मुर्शद चाय पीने के लिए आए वो रमजान का टाइम में ऐसा नहीं करना अगर कुछ आए तो पुलिस को हैंड ओवर करना ऐसा बोलने में वो बच गया अगर वो मौलाना नहीं होता था वो भी मर जाता था तो ये तीनों मेंबर्स को अपोजिट लेन में जाके पूरा हाथों से पैरों से पूरा इंडिस्क्रिमिनेट मार दिया लास्ट में कुछ लोग आईएस सदन सरफराज खान सोहेल मुख्तार ये लोग इतना बड़ा बड़ा बोल्डर्स लाके उसको सर पे डाल जो किडनैप बच्चों के लिए किडनैप करने के लिए आया वो रूमर्स हो वो दिल में शक बैठा है लेकिन कुछ तो कंट्रोल होना है हम बोलते रहते जा रहा है डीजी साहब बोल दिया सीपी साहब बोल दिया मैं बोल दिया एसएचओ बोल दिया कि रूमर्स नहीं मानना चाहिए अभी तक एक किडनैप केस तेलंगाना स्टेट में रिपोर्ट हुआ नहीं एक किडनैप गैंग भी आया नहीं लेकिन इतना 700 लोग आ गए तो किसका सेफ्टी है वो हिजरा का छोड़ देना अगर हम लोग जाएंगे तो मफ्ती में जाएगा तो कुछ लोग ये किडनैप के लिए आया तो लोग नहीं सुन रहा है ऐसा पूरा लोग को दिल में बैठा है इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है कुछ लोग ज़्यादा नहीं 4-5 सोशल मीडिया वाला पूरा सोशल मीडिया को ख़राब कर दिया अभी किसी लोग को पूछ लेना सोशल मीडिया रूप से हम मेरा दिल में मन में शक बैठ गए जो कंफर्म कर दिया एक महबूब नगर टाउन में रेड हैंडेड पकड़ लिया ऐसा ये पोस्ट लगाया 3-4 बच्चों को इंट्रोगेट कर दिया हम टास्क फोर्स हम मिलके अरे क्यों मार दिया कौन आया डीजी साहब बोला मैं बोला कोई किडनैप गैंग को अरेस्ट कराना कैसे अरेस्ट ऐसे बोलते साहब ये सैयद सलीम ये टू टाउन में गिरफ्तार कर दिया रेड हैंडेड पुलिस किडनैपर्स को तो कंफर्म कर दिया वहाँ नहीं है वो शुभान रिपोर्टर शुभान छोटे बच्चों को पकड़ के लेने के टाइम में पकड़ के पुलिस रेस्क्यू करके उनको गिरफ्तार कर दिया वो भी गलती है ऐसा करने में वो लोग को क्या सोचता अरे क्या वो महबूब नगर में पकड़ लिया पुलिस पकड़ लिया वो कन्फर्म हो गया हम आर्गुमेंट कर रहे हैं और कहाँ है तो अरे नहीं बहुत न्यूज़ आया महबूब नगर में पकड़ लिया जहीराबाद में पकड़ लिया पहाड़ी शरीफ में पकड़ लिया आप कुछ नहीं पकड़ रहे बोल रहे ऐसा कैसे होता तो ये मामला क्या ज़रूरत है इतना सेंसिटिव इशू है अगर हमको होता अगर हम लोग आप लोग कोई बाहर गए शमशाबाद कोई महबूब नगर साइड वो को कुछ ही लोग शाउट करके वो किडनैप बैच आएगा तो वो मारना शुरू कर देते तो ये हालत तो आया आए ना दट्टू इतना अच्छा होली महीना
जिंदगी का इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है। हैदराबाद, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली का बाद इतना अच्छा नाम है, जकात देते बकरीद में इतना देते, लेकिन कोई आदमी को गारंटी नहीं है पुराना शहर में सेफ्टी में जाएगा। पुकार रहा है, सोशल मीडिया जा रहा है, इतना देख रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये करेक्ट नहीं है। इसीलिए अनफॉर्चुनेट थिंग है, दो सीनियर रिपोर्टर्स बड़े लोग हैं, वो नॉलेजेबल, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना। इसीलिए वो लोग भी सेल फोन्स में वो सर्कुलेट हुआ, तो इसीलिए ये दोनों के साथ रिपोर्टर शुभान और सैयद सलीम के साथ 14-14 लोग, 400-500 लोग वहाँ शामिल थे, लेकिन ज़बरदस्ती पैरों से, हाथों से, लकड़ियों से, लास्ट बोल्डर से मार दिया। ये पहले 14 मेंबर्स को गिरफ्तार कर दिया, इसमें एक बॉय जूनियल भी है। ज़्यादा लोग बारकस का, सलाला का, ये सदन वहीं हफीज़ बाबा नगर का रहने वाले, कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी थे लोग कुछ लोग का, कुछ पढ़ाई बहुत पढ़ाई, बीटेक स्टूडेंट थे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं है, हमारा हैदराबाद का इज्जत का नहीं है मामला, उसका करियर अभी इतना नॉन अवेलेबल सेक्शन एससी है, वो मरने वाला एससी कम्युनिटी, वो बड़े का जंगल, ये एससी एक्ट है, ये मर्डर केस है, राइटिंग है, इसमें अगर बेल आता किसके लिए जाना, वो अरेस्ट करने में हमको भी प्रॉब्लम आया, लेकिन क्या करना, कानूनी के अंदर काम करना। तो इसीलिए दो रिपोर्टर्स, वो सोशल मीडिया में एक रिपोर्टर, एक सीनियर सिटीजन, और 14 लोग मर्डर केस में, ये लोग मर्डर केस का मामला नहीं है, वो एबेक्टमेंट कर दिया, वो सिचुएशन सभी लोग मन में आने के लिए वो कंफर्म कर दिया, रिपोर्ट फॉल्स न्यूज़ जो मार दिया वो लोग को, डायरेक्ट वीडियोस है पूरा, कभी भी वीडियो से ले सकता है, देख सकता है। और ये होने के बाद एक घंटे के बाद मादानापेटा एरिया में 4 इजरा को मार दिया, वो मारने के 2 पेट्रोल कार से एसआई मादानापेटा पुलिस रेस्क्यू करके पुलिस स्टेशन में रेस्क्यू कर दिया, लेकिन छोटा मोटा इंजरीज है, तो उन लोगों को बेलेबल सेक्शन में 324 में 4 आदमी को गिरफ्तार कर दिया। पूरा 14 मर्डर केस डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, 2 एबेक्टमेंट, रिपोर्टर्स, सोशल मीडिया एंड 4 मारपीट करने में मादानापेटा 20, और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो रहा है। ये बाद में ये इंसिडेंट होने के बाद 7-8 सोशल मीडिया पीपल जान पूछ कर वो किडनैप गैंग्स आया, उनको पकड़ के मार दिया, ऐसा दे दे, वो भी गलत है, वो एनालिसिस हो रहा है। एक अजमतुल्ला जाबरी जाफरी और एक अरबाज, ये चार मीनार का एरिया में थोड़ा चुड़ियां को बेचता है, ये दोनों को भी कस्टडी ले गया, वो अलग केस है, वो होने के बाद कर दिया। तो अगर ये होने के बाद अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो ये इन दोनों को रेस्पॉन्सिबल है। तो हम ये इतना सख्ती से क्यों जा रहा है, इतना होली महीने में इतना यूथ है, पूरा 19-20 ईयर्स का बच्चे लोग है, अगर ऐसा सख्ती एक्शन नहीं ले लेगा तो ये कंटिन्यू। कल भी शाहनदगंज में हुआ, लोगों नहीं मान रहे, वो शक बैठा हुआ, वो जब तक ये पूरा 2-3 डेज में नॉर्मल से आने तक हम सख्ती से जाना है। सो इसीलिए 20 मेंबर्स को गिरफ्तार करके रिमांड भेजा। मौलाना मुर्शिद मस्जिद को 5 प्रेयर्स में हमको रिक्वेस्ट कर दिया, ये पूरा झूठा रिपोर्टर्स रिपोर्ट्स है, पोस्टिंग्स है, वो नहीं मानना चाहिए। अभी तक एक किडनैप केस रिपोर्ट हुआ नहीं, अभी तक एक गैंग को भी पकड़ा नहीं, ये पूरा जो मार दिया शक में मार दिया, वो कुछ नहीं है, वो नहीं मानना चाहिए। तो अभी तो बहुत नॉर्मल से आ गया, वो एडमिन के साथ जो ग्रुप में सर्कुलेट करने वालों के ऊपर भी केस लगेगा, लेकिन ये इतना मर्डर केस में नहीं होता, लेकिन वो तो केसेस होता। सर, सोशल मीडिया की वजह से वो लोगों की मौत हो गई एक दिन चलाने से,
तो सोशल मीडिया के जो अपने आप को रिपोर्टर बताते हैं क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई का अभी शुरू होना है तो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ हम भी वो कार्रवाई शुरू करेंगे। जब तक वो मीडिया सेंसिटिविटी है इतना इमीडिएटली नहीं जाता क्योंकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक बीच में है, लेकिन जब कोई को थ्रेट है, जनरल पब्लिक को थ्रेट है, अभी कोई अगर ये आदमी इरफान वहाँ जाएगा तो अभी नगर उनको मार सकता है कोई शाउटिंग करके, तो ऐसा हालत आने के टाइम में हम सख्ती से जाना पड़ता, वो अभी शुरू करते। थैंक यू वेरी मच।